एक घंटा घर जिसको बोलते हैं क्लॉक टावर, वो ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। देखिए ऐसे सड़कें हैं, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरा कौन सा है, ईस्ट है, और ये मेरा वेस्ट है। अभी समझ लें, पी क्यू आर एस सड़क के उत्तर पूर्व, पी पॉइंट है मेरा उत्तर में, और पूर्व में मेरा कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, और एस पॉइंट है मेरा दक्षिण में, आर पॉइंट दक्षिण में, और एस पॉइंट है मेरा वेस्ट में। इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला कि जहां से वे घंटाघर के शीर्ष के उन्नयन कोण है वो, ऐसे बिंदु जहां से घंटाघर के शीर्ष के उन्नयन कोण है वो एल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, ठीक है। यहां पे मैं एक घंटाघर बना देता हूँ, ये कुछ इस टाइप से ऊपर उठा हुआ घंटाघर है, ठीक। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं पी से एंगल मेजर करूंगा तो वो अल्फा आएगा, यहां से एंगल मैं मेजर करूंगा तो अल्फा आएगा, यहां से मेजर करूंगा तो बीटा आएगा, यहां से मेजर करूंगा तो गामा आएगा, और यहां से मेजर करूंगा तो डेल्टा आएगा। क्लियर। अब मैं एक साइड का व्यू बनाता हूं आपको, कि अगर ये घंटाघर की हाइट पूछी है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में कुछ एक फ्रैक्शन दिया हुआ उसका स्क्वायर पूछा है। अब ये हाइट में एच मान लेता हूं, ठीक है, और ये एक बना के देखता हूँ, नॉर्थ वाले का हाइट के साथ बना के देख रहा हूँ, देखना कैसे होगा। ये मान लो घंटाघर है एच हाइट का, और ये नॉर्थ की साइड एक पॉइंट पी है, ठीक है, और यहां से ये एंगल अल्फा बना रहा है, इस टाइप का बनाया मैं, ठीक। अब यहां से देखना आप, ये वाली डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है यहाँ पे कॉमन, ये पॉइंट मैं ओ मान रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं ओ मान रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि मुझे पी क्यू आर एस और इनकी टर्म में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो पी क्यू और आर एस की टर्म में पूछा है, ठीक है। अब पी क्यू और आर एस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस से। तो मैं इनकी टर्म में इसकी वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं ओ पी निकालता हूँ, ओ पी, तो वो कितना आएगा मेरा इस क्वेश्चन में, अगर मैं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ भी हो ऊपर का एम मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर टेन ऑफ अल्फा निकालूंगा तो वो कितना आएगा, एच अपॉन ओ पी, ठीक है, टेन अल्फा आ गया मेरा एच अपॉन ओ पी। बट अब मुझे ओ पी निकालना है, तो एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कोट अल्फा, तो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एच कोट अल्फा। अब यही सिमिलर केस में अप्लाई करूंगा इस वाले क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच इंटू कोट बीटा, सिमिलरली ओ आर, एच इंटू कोट गामा, और सिमिलरली ओ एस होगा एच इंटू कोट डेल्टा। क्लियर। अब आप देखो यहां पे कि ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स देखो, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर क्या है मेरा, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम करूं मैं, अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर एस मिलेगा, ये तो 2D में है दोनों पॉइंट, आर एस मिलेगा। तो आर एस का स्क्वायर है वो क्या दे रखा है मुझे, ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। क्लियर। एक चीज और देखो, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा मुझे, पी क्यू का स्क्वायर मिलेगा, और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, पी क्यू के स्क्वायर को आर एस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेन का कलर रेड लेना पड़ेगा, आर एस का स्क्वायर क्या आएगा, आर एस का स्क्वायर क्या आएगा, ये देखो ओ आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एच स्क्वायर कोट स्क्वायर गामा प्लस ओ एस का स्क्वायर, ओ एस कितना है, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा, और यहां से पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब मुझे पूछा है पी क्यू बट्टा आर एस का होल स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, मुझे मेरा मिलेगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, डिवाइड में मिलेगा मुझे कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, ये मिल जाएगा मुझे फाइनल। ऑप्शन कौन से में, ये कोट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ऊपर है और गामा प्लस डेल्टा नीचे है,
मुझे ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सी।